तो यह प्रदर्शन किया जा रहा है, किस वजह से किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, कुछ दिन पहले मिर्जापुर बाजीगर मोहल्ले का एक 10 साल का बच्चा गुरमीत, उसको प्रेम प्रसंगों की बलि चढ़ा दिया। प्रेम मैं इसलिए नहीं कहना चाहूँगी, मैं सोचूंगी प्रेम कहना गलत होगा, क्योंकि राधा को भी कृष्ण ने प्रेम किया था। प्रेम तो बहुत अमर है, लेकिन मैं ये कहूँगी अपनी शारीरिक भूख और हवस के लिए एक मासूम 10 साल के बच्चे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहर में फेंक दिया, उसकी जान ले ली कि ताकि कोई सबूत ना रह जाए। सिर्फ उस बच्चे का दोष इतना था क्योंकि उन्होंने उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि खुलेआम जो ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, खुलेआम जो इस तरह के आरोपी हमेशा आगे से आगे स्तर बढ़ता जा रहा है, आरोप नहीं रुक रहा, आखिर क्यों आरोपी भय मुक्त है, उसे डर नहीं लगता जब भी वो इस तरह का क्राइम करता है समाज में। हमारा एक ही निवेदन है आज की कैंडल मार्च जो है, ताकि प्रशासन तक और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच सके, वो जो दोषी बैठे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी नहीं मैं तो कहूँगी फांसी के तख्ते तक पहुँचाया जाए, ताकि गुरमीत की माँ को न्याय मिल सके, गुरमीत के पिता को न्याय मिल सके, गुरमीत के दादा को न्याय मिल सके, इस जनता को न्याय मिल सके, इस कैंडल मार्च को, इस मोमबत्ती को, इस रोशनी को जो धरती चीख चीख कर पुकार रही है कि हवस का नंगा नाच बंद करो, बच्चों की हत्या बंद करो। अब तक कोई आश्वासन दिया है? बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो है बच्चे की जब डेड बॉडी मिली, हमने उसे मिट्टी को सौंपा, नो डाउट कि वो प्रशासन की ही जो थे प्रयास थे जिससे हमें बच्चे की मिट्टी मिल सकी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो अंदर हमारी आत्मा जो रो रही है उस बच्चे को देखते हुए, उस बच्चे के शरीर को देख करके, वो जो है चीख चीख कर कह रही है कि ये आवाज़ रुकने ना पाए, ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंच जाए और दोबारा कोई गुरमीत पैदा ना हो, दोबारा कोई गुरमीत इस तरह से मरे ना।